हे व्यूअर्स, वेलकम इन द न्यू वीडियो। होप यू गाइस आर डूइंग ऑल राइट नाउ। गाइस, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं हेयर केयर रूटीन टिप्स के साथ साथ हेयर ग्रोथ टिप्स विच कैन लीड अ ग्रेट अचीवमेंट टू दोज पीपल्स हु रियली वांटेड टू ग्रो देयर हेयर एज लॉन्ग एज मच एज दे वांटेड। माइट बी पॉसिबल दैट दे हैड एन आइडियल लुक लाइक वॉर्म, दे वॉन्टेड टू ग्रो देयर हेयर, बट ड्यू टू सम कैलमिटीज, ड्यू टू फैमिली इशू एंड ड्यू टू अदर इशूज that can be included in their quitting of their hair journey. Apart from that, मैं आपको सबसे पहले इसके advantages बताऊंगा। बाकी advantage इतने ज़्यादा हैं कि आपको achieve करने के बाद काफ़ी तगड़ा महसूस होने वाला है। तो disadvantage के वाली ये है कि sweating आती है, पसीना यहाँ आता है, पीछे आता है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, पंखे के सामने बैठ जाओ। इसके साथ साथ इसका एडवांटेज ये है, आपको फोटोशूट कराना है तो उस पर मल्टीपल आप हेयर स्टाइल लगा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे करके बाल आप फोटोशूट करा सकते हैं, बॉम फोटोशूट आएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कम्युनिटी में जा रहे हो कहीं भी, तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा ग्रैब आप ही करोगे, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिक आपका ही बाल लगेगा। क्योंकि नॉर्मली होता है कि साइड फेड ही बाल होते हैं सबके, और इस केस में अगर आपके बड़े बाल हैं तो लोग आपको ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा होगा। सब चीज़ों को साइड में रख के बेसिक टिप्स पे आते हैं जो लाइफ में आपके इंपॉर्टेंट है बाल के ग्रोथ के लिए। टिप नंबर फर्स्ट गाइस, कंसर्न, फैमिली कंसर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बिलोंग करते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो आप अपने फैमिली के साथ, तो सबसे पहले उनका कंसर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो व्यवहार ख़राब होगा और जायदाद से बेदखल हो जाओगे। और साथ ही साथ मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि 12th के मिड सेम में आप ट्राई करना अपने वालों को बढ़ाने का, क्योंकि 12th के मिड सेम तक थोड़ा रोक टोक हो सकता है, उसके बाद कोई एग्जामिनर चेकिंग नहीं करेगा कि आपका बाल बढ़ा है, तो आपको नहीं कराया जाएगा एग्जामिनेशन। उसके साथ साथ आप बाल बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस बढ़ते हैं टिप नंबर सेकंड की, और वो है पेशेंस। एक टाइम ऐसा आता है कि टेम्पटेशन सबसे ज़्यादा होता है साइड फेड कराने का, लोगों को देख के साइड फेड कराने का सबसे ज़्यादा मन होता है, क्योंकि ऊपर का बाल ज़्यादा बढ़ता है और साइड का बाल बहुत टाइम लगता है। अप्रॉक्सीमेटली एक साल में लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर का लेंथ ही अचीव हो पाता है। उसके अलावा आपके अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके बाल के हेल्दी मेंटेनेंस के लिए। तो ये था टिप नंबर सेकंड। अब बढ़ते हैं टिप नंबर थर्ड की ओर। तो गाइस, टिप नंबर थर्ड है आपका डाइट। गाइस, जिस तरह से एक पौधे को उगने के लिए एक अच्छा सोर्स होता है सनलाइट और वाटर, उसी तरह हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी है प्रोटीन। तो जितना हो सके उतना प्रोटीन कंज्यूम करें, अपने डाइट में फॉलो करें। अपने डाइट में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं फिश, एग और दाल, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन के सोर्स है। तो इसके अलावा आप एक चार्ट बना के डाइट मेंटेन कर सकते हैं। तो गाइज, अब बढ़ते हैं टिप नंबर फोर की ओर, जो है हेयर वॉश। गाइज, जिस तरह से हम अपने बालों को अंदर से अच्छा से न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसी तरह से बाहर से एक्सटर्नली इसको प्रोवाइड करना है हेयर केयर, जो है वॉशिंग। तो जब भी अगर आपको वॉश करने का मन कर रहा है, वो अंदर से आ जाता है कि वॉश कब करना है, जब आपका माइंड थोड़ा सा हैवी फील करने लगे, थोड़ा गंदा फील करने लगे, ऑयली फील करने लगे, उतना टाइम आप अपने बालों को वॉश कर सकते हो। बालों को वॉश करने के लिए एक डेलिकेट शैम्पू, अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव है अपने बालों के लेके, स्काल्प को लेके, शैम्पू रिकमेंड करूँगा जॉनसन बेबी का। जॉनसन बेबी के शैम्पू में काफ़ी चीज़ें नाजुक चीज़ें होती है, क्योंकि वो बेबी शैम्पू होता है और बेबीज़ के लिए काफ़ी डेलिकेट चीज़ें बनाई जाती है। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा सेंसिटिविटी का खतरा है, वही शैम्पू यूज़ करें। उसके अलावा मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज़ हैं, आप उनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लिनिक प्लस, डव, सनसिल्क, लोरियल, वॉट एवर अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट यू कैन यूज़ देम। क्योंकि शैम्पू का काम ही होता है कि हमारे स्काल्प को साफ़ करना, तरीके से साफ़ करना और बालों को हेल्दी दिखाना। तो गाइज, फाइनली अब बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 5 की ओर, जो है बालों का सुरक्षा। गाइज, जितना भी कुछ अप्लाई कर लो, अंदर से कुछ भी डाइट फॉलो कर लो, बाहर से आप अप्लाई कर लिए शैम्पू वैम्पू वगैरह जो भी किए, उसके बाद ज़रूरी है बालों को धूप और धूल डस्ट से बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि होता है ये कि खुले में जाओगे बाल ड्राई हो जाते हैं, धूप धूल डस्ट ये सब चिपक जाते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना, उनसे प्रिवेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप बाहर निकलो तो धूप में स्कार्फ बांध लो, थोड़ा मोड़ा तो कम से कम प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसलिए अपने बालों को ध्यान दो, प्यार करो खुद से, ज़िंदगी ऐसे बीतेगी गाइज। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, लेट्स सी इन अनदर वीडियो। स्टे ट्यून्ड।